हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो की बात करें तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी हैं उनका ये क्या है, पार्ट टू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे स्टेट एग्रीकल्चर और साथ ही साथ वेटरनरी यूनिवर्सिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और वीडियो के अंत में हम केवीके के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी आज स्टेट एग्रीकल्चर और साथ ही साथ वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। तो फर्स्ट चलते हैं हम आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ये पालमपुर जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, थर्ड है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, ये है कुशीनगर अकोला, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, जो फोर्थ वन है हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये कहाँ है, सोलन नौनी, जो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है, गुरु आनंद देव एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में पड़ता है। ठीक है, फोर्थ वन है जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पड़ता है, पंतनगर ऊधम सिंह नगर में पढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि हमारी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है इंडिया की। जो कब हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका वो हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये 17 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और उस समय यूपी के सीएम, क्योंकि उस समय ये उत्तर प्रदेश में था, तो यूपी के सीएम कौन थे, वो थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। जो पंडित जी बी पंत यूनिवर्सिटी का जो पुराना नाम था वो क्या था, यूपी एयू, यानी कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। उसके बाद ये क्या क्या गया, क्या कर दिया गया कि उस समय के जो सीएम थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा जानकारी बता दी, और फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, आई थिंक सभी लोगों को इसके बारे में पता है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ है, जबलपुर एमपी में पड़ता है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज फैजाबाद में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद में NDUA। ठीक है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, मोदीपुरम में पड़ता है। ठीक है, जो मेरठ में पड़ता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पड़ता है, बरसार में पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं बरसार में पड़ता है, जो ये पहले क्या था, पहले एक क्या था, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का ही एक छोटा कैंपस हुआ करता था। इसको क्या कहा जाता था, मिनी पंतनगर भी कहा जाता है, और इसके एक ब्रांच है, वो कहाँ है, रानी चौरी में भी इसकी ब्रांच है, और साथ ही साथ इसकी ब्रांच आपको मिल जाएगी, इसकी ब्रांच आपको मिलेगी रुद्रप्रयाग में, जो कहाँ पड़ता है, चिरबटिया में पास पड़ता है, बशर्ते इसकी क्लास कहाँ होती है, अभी भी रानीचोरी में ही होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, देखा, एकमात्र सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इम्फाल मणिपुर में पड़ता है। चलते हैं फ्रेंड्स, अब थोड़ा केवीके के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा इससे, काफ़ी मैंने इसमें थोड़ा डेटा भी दिया हुआ, तो आपको ढंग से सुन लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स केवीके के बारे में चलते हैं, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो है कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो फर्स्ट केवीके खोला गया था वो पांडुचेरी, यानी कि पुदुचेरी से अब कहा जाता है, 1974 में खोला गया था। ठीक है, 1974 में, और आपको बता दें जो इसकी टोटल नंबर ऑफ केवीके है इंडिया में, यानी कि कुल मिलाकर कितने केवीके हैं, वो है हमारे 716 केवीके, अभी तक अप्रैल तक इतने 716 है। ठीक है, मैं डेटा इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि लास्ट में जैसे जब पेपर का टाइम आएगा
तो उस समय आपको डाटा बता दिया जाएगा सभी चीज़ का, चाहे कितना मिल्क प्रोडक्शन कितना है क्या है, ये सब चीज़ों का डाटा लास्ट में हम शेयर करेंगे, क्योंकि उस समय बताना सही होगा प्रेजेंट में डाटा क्या चल रहा है जस्ट एक महीने पहले का, ठीक है। तो इसलिए हम इसके डाटा ज़्यादा पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्या करेगा 716 क्या है कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, और फर्स्ट जो कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था वो पुदुचेरी में खोला गया था 1974 में, ठीक है फ्रेंड्स। देखा एक हम एक सबसे ज़्यादा देखेगा हाइस्ट केवी के, यानी कि सबसे ज़्यादा केवी के कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और एक और बात बताऊँ, 100% जो ये कृषि विज्ञान केंद्र चलाए जाते हैं वो आई सी ए आर के द्वारा ही चलाए जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको सभी लोगों को बताई हुई है, कब इसकी स्थापना हुई थी इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है। जो बेस्ट केवी के अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट केवी के अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए, बेस्ट केवी के लिए दिया जाता है। तो आपको बताना है वो केवी के कौन सा है, और हिंट मैं आपको बता दूं, बेस्ट केवी के अवार्ड 2019 किसको दिया गया था, वो उत्तराखंड में ही एक केवी के था, उसका आंसर आप देंगे कौन सी जगह ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।